नाउ लाइव हर जुर्म का पर्दाफाश। लालकुआ के बिंदु खट्टा क्षेत्र में रविवार की देर रात हुए विवाद के बाद मामला इतना तूल पकड़ता हुआ पुलिस द्वारा कांग्रेस नेता और उसके पुत्र के खिलाफ आईपीसी के विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। सूचना मिलते ही कांग्रेस के सैकड़ों समर्थक कोतवाली गेट के सामने धरने पर बैठ गए और जिन पुलिसकर्मियों द्वारा कांग्रेस के नेता और उसके पुत्र के साथ मारपीट की गई उनको बर्खास्त करने की मांग के नारे लगाते हुए धरने पर डटे रहे, जिस पर अधिकारियों द्वारा कोतवाली लालकुआं में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। आपको बता दें देर रात नेता के पड़ोसी से कुछ कहा सुनी हो गई, जिसके बाद पड़ोसी द्वारा पुलिस के सरकारी नंबर पर इसकी सूचना दी गई और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस के साथ ही कांग्रेस नेता और उसके समर्थक पुलिस से उलझ गए, जिसके बाद पुलिस उन लोगों को थाने ले आई और विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने तीनों कांग्रेस नेताओं को हल्द्वानी न्यायालय में पेश किया है। संवाददाता उमेश सिंह राणा की रिपोर्ट। घटनाक्रम की जानकारी प्राप्त होने के बाद जो वास्तविकता है वहां पर शराब का धंधा चल रहा था और धामी जी के बच्चे का जन्मदिन था, तो जिस व्यक्ति को बुलाया नहीं गया था वो अनावश्यक वहाँ घुस करके हल्ला गुल्ला करके तलवार लेकर के वहाँ पहुँचा, ऐसी जानकारी में आया है। और पुलिस ने उसके कहने पर तुरंत जा करके भगवान सिंह धामी जो एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, मेरे साथ डायरेक्टर रह चुके हैं डेयरी डेवलपमेंट ECDF में, तो उनको और उनके बेटे को जो हमारा यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है और कमल दानू विधानसभा अध्यक्ष के, इनको पकड़ के यहाँ लाए और इस प्रकार की जो घटना है उसके खिलाफ जनता में बड़ा भारी आक्रोश है, विशेष रूप से कोतवाली पुलिस लालकुआ के ऊपर जनता को भरोसा नहीं। और आज अच्छे आदमियों को पुलिस निशाना बना रही है और बदमाश और गलत आदमियों को पनाह दे रही है, इस प्रकार इस तरह के व्यवहार से लोग त्रस्त हैं और ये मांग करते हैं कि तुरंत ही यहाँ के पुलिस प्रशासन में फेरबदल हो, इनको यहाँ से हटाया जाए। बिल्कुल चाहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो हमारे यूथ कांग्रेस के साथी हैं जिनके उनके साथ साथ उनके परिवारों को भी प्रताड़ित करने का काम किया गया है, तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो दोषी पुलिसकर्मी है वो भी उनको निलंबित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है, ये डंडा तंत्र थोड़ी है जिस प्रकार से पुलिस ने अनाप शनाप मारपीट करी है लोगों के साथ और बिल्कुल अपना मतलब अपनी ताकत का परिचय अपनी ताकत दिखाते हुए किसी को अंदर नहीं आने दिया, किसी की बात नहीं सुनी, एक तरफा कार्रवाई करते हुए लाठी डंडे चलाए ये और बदतमीजी करी, तमाम हमारे जो जनप्रतिनिधि आए उनके साथ तमाम बदतमीजियाँ हुई हैं, तो हम इसको कतई सहन नहीं करेंगे और ये जो अधिकारी हैं दोषी इनको लंबित किया जाना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई जब तक नहीं होती है और जब तक हमारे जो साथी हैं उनको रिहा नहीं किया जाता, उनको छोड़ा नहीं जाता है और मुकदमे वापस नहीं लिए जाते हैं, हम लगातार ये लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। इस सूचना पर हमारे यहाँ से संसद मनोज कुमार मौके पर गए, जब मौके पर दोनों पक्ष लड़ रहे थे तो उनको समझाया गया, लेकिन एक पक्ष अग्रसरित होकर उनके साथ उन्होंने मारपीट कर दी, जिस पर मौके पर तीन लोगों को मौके पर गिरफ्तार कर गया, गिरफ्तार करके थाने पर लेकर आए हैं, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होगी। जिस विक्रम ने सूचना दी थी जिनके घर पर वो लड़ाई करने गए थे उसके द्वारा भी एक तहरीर दी गई है, उस तहरीर पर हम मुकदमा पंजीकृत किया गया, तीनों मुजरिमों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। ये पहले जो संसद द्वारा लिखाए गए 323, 504, 506, 332, 353 IPC के तहत एक अभियोग पंजीकृत किया गया, दूसरा अभियोग विक्रम की तरफ से 147, 148, 323, 506, 506, 452 धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। क्या पुलिस ने मारपीट का मामला भी दर्ज है इसमें क्या? जी हाँ, जो पहले वाला मुकदमा है संसद मनोज कुमार द्वारा जो पंजीकृत किया गया 332, 353, 507, 506 का, वो पुलिस की